गुरुवार को रामबन में बिजली विभाग में काम कर रहे अस्थायी कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि ये कर्मचारी पिछले कई सालों से विभाग में काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक इन्हें ना ही पक्का किया गया और ना पिछले 3 सालों से इन्हें वेतन मिले, जिसके बाद इन लोगों ने सड़कों पर आकर विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। इन लोगों का कहना है कि इन्हें वेतन न मिलने से इसका प्रभाव इनके बच्चों की जिंदगी पर भी पड़ रहा है। इनका कहना है कि दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी इन्हें विभाग द्वारा नज़रअंदाज किया जाता है। कर्मचारियों के मुताबिक उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो वो अपना उग्र प्रदर्शन जारी रखेंगे। हम बिल्कुल बिजली के बिना किसी को रहने नहीं देंगे, तो बिजली चलाने वाले जो लोग हैं वो उनको सैलरी नहीं मिल रही है, जो उसमें मुलाजिम है तो बिल्कुल वो उनके से नाइंसाफ़ी हो रही है, उनको सैलरी नहीं मिल रही है, पूरा उनका जितने भी सालों से काम कर रहे हैं वो उनकी तनख्वाह नहीं मिल रही है,